आया लहरा, सुबह से शाम हुई शाम से पिछला पहरा। देवी जी बस दो और मिनट। दो मिनट करते करते इन औरतों की आधी जिंदगी बीत जाती है। हमें देखो, मुंह हाथ धोया, कोट पतलून पहना और झटपट तैयार। अच्छा अच्छा, लेने भी दो। हाय, आज तो बड़ा गजब उठा रही हो। काला टीका लगा लो, हाय, नहीं तो किसी की नजर लग जाएगी। तुम भी मजाक करते हो, रहने दो ना। चलो, सिनेमा को देरी हो रही है। अच्छा, ये कर रहा है ना? क्यों साहब, हमें आया देखकर मकान तो बंद करके चलने लगे। क्षमा कीजिए, आपको पहचाना नहीं। नहीं पहचाना? वाह घोष बाबू, मैं हूँ शर्मा, अनोखे लाल शर्मा, मथुरा स्टेशन पर मिला था। याद कीजिए, मैं अभी आता हूँ। अरे ये कौन है मिस्टर शर्मा? कहता है मथुरा स्टेशन पर मिला था, मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा। याद आया आपको? जी कोशिश कर रहा हूं। देखिए, मथुरा से भोपाल तक हमने एक ही डिब्बे में सफर किया था। आपने बहुत कहानियां और किस्से सुनाए थे। आप याद कीजिए, मैं अभी आता हूं। तो नहीं देखो भाभी, भोपाल उतरते वक्त इन्होंने मुझसे वचन लिया था, जब दिल्ली आऊं बिना मिले ना जाऊं, और हम हैं वचन के पक्के। कहा है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। घोष बाबू, घोष बाबू अब नहीं पहचानेंगे तो कौन पहचाने। याद आया। देखा भाभी कैसा याद दिलाए इन्होंने। रात भी आपने यही छुपाई थी, एक बार सुनाई थी। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। तो सफल में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? नहीं नहीं। देखिए मैं थक गया हूँ, मेरा सामान उठवा दीजिए। हाँ चलिए, एक मिनट कोट उठा दो। नहीं 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 नहीं, लगता तो कुछ ऐसे ही है। बस दो चार चीजें और रह गई हैं, आइए एक चक्कर और लगा लें। घोष बाबू का सारा परिवार आया हुआ है, सबके सब लोग टांगे में बैठे हुए हैं। हाय राम, सारा परिवार। कितनी बार कहा इतना सामान लेकर नहीं सफर करते, मगर बेबी की माँ सुनती ही नहीं है। अच्छा अब आप उनको ले आइए।
रेखा छह सात अब उन्हीं की बारी है। आज तो बुरे फंसे, ना जाने ये शर्मा परिवार कब तक रुकेगा। अपने पास तो अरे तेरे के खाली 10 आने बाकी रह गए। समझ कर आए हैं, दूध ही पी लेंगे, क्यों बेबी की माँ।
अगर नड़ी का इंतजाम ना हो तो एक अंग्रेजी चुरुठी ले आना। मुंशी का लौंडा कहता था अंग्रेजी चुरुट में देसी हुक्के की खासियत है। अच्छा मैं थोड़ा बाजार होके आता। अरे अरे घोष बाबू, आप बाजार से हमारे लिए खाने पीने की चीजें मत लाना। बाजार की चीजों से तुम्हारा गला पकड़ा जावे। हमारे घर में तो असली घी में पके है, ज्यादा तकलीफ की जरूरत नहीं। असली घी में जरा सा सूजी का हलवा बनवा देना, हमारी पलटन तो उसी में खुश हो जाएगी। और मेरे रौनकी को मीठा नहीं भावे, इसके लिए 10-12 बेसन के पराठे ही तलवा देना बस। अच्छा आप लोग आराम करिए, मैं इंतजाम कराता। जरूर जरूर, आप भी चले। तोता चाय मिल गया, खुश तो रहा हूँ। देखिए हमारी पलटन क्या कर रही है। चलो बेबी की माँ। चलो भाई। क्या हुआ? समझ में नहीं आता ये बला कैसे टलेगी। ये सोचना तुम्हारा काम। वैसे तो बड़ी बड़ी डींगे मारते थे, दफ्तर में बड़े से बड़े केस हल करने में वक्त नहीं लगता। आज ये छोटी सी उलझन सुलझाओ तो मानो। हाँ सुनो, अपना दिमाग काम ना करे तो किसी की सलाह ले लेना। अरे ये एकदम कहाँ चल दिए? मैं चलता हूँ थोड़ा सलाह लेने। कहाँ? नुक्कड़ के पान वाले से। ओ, आप भी मजाक करते हो? नहीं नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बड़ा सीरियस हूँ। जब भी तुमसे झगड़ा होता है ना तो उसी नुक्कड़ के पान वाले से सलाह लेता हूँ। रहने दो, रहने भी दो। ने वो तोता देखा मेरा? ओहो, तोता तोता तोता, मैं तो तंग आ गई तोते से। सुनो तो। बोलो। मरे तो गऊ है, कैसे नाक मुचड़ा रही थी। अपने को क्या मतलब है? अपने को तो खाने पीने से मतलब रखना चाहिए। पूरा महीना आराम से करता दिखाई देता है देवी के माँ। जय बजरंग बली की। काम क्या करते हैं? मेरा मतलब है कि आपका धंधा क्या है? धंधा भगवत भजन और समाज की सेवा। इसी चक्कर में यात्रा करता रहता हूं और यात्रा में आप जैसे सज्जनों के दर्शन हो जाते हैं। बस यही समझिए समय आनंद से कट जाता है। आए सेठ जी, सेठ जी, आइए 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 सेठ जी, आइए। ये रहा घोष बाबू, करवाइए इनसे दस्तखत और शुरू कीजिए अपना काम। मिस्टर घोष, आप पर 533.37 रुपए की कुर्क है। आपने सेठ जी का 6 महीने का किराया नहीं दिया। सेठ जी, अरे अरे थोड़ी सी मोहलत और दीजिए, वेतन मिलते ही आपका पूरा हिसाब चुकता कर दूंगा। बस बस रहे, बस बस रहने दो, रहने दो। यही सब सुनते सुनते तो मेरे कान भी पक गए हैं। 6 महीने तक चुप रहा, अब 1 मिनट एक दिन की मोहलत नहीं मिल सकती। मर्डर साहब शुरू कीजिए अपना काम। मिस्टर घोष, आप इस पर दस्तखत कर दीजिए। चपरासी और ट्रंक उठाओ। अरे वो ट्रंक तो हमारा है भाई।
वो ट्रंक हमारा है। अगर ये ट्रंक आपका है तो आप इसकी कोर्ट में अर्जी देना। मुहर्रम साहब आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये ट्रंक नहीं लिया जाएगा तो मेरे 500 रुपल्ली कहाँ से आएंगे। जब्त कीजिए सब कुछ यहाँ से, उठाओ भाई ट्रंक ले लो। बाबू आप सब कुछ देख रहे हैं और खामोश हैं। हे भगवान हे बजरंग बली, मुझे किस अपराध का फल मिल रहा है। सेठ जी मुझ गरीब ब्राह्मण पर दया करो, इस ट्रंक में आपको मिलेगा ही क्या सेठ जी। एक बात है साहब। क्या? ये बेचारा ब्राह्मण है और आप जानते ही हैं हमारे समाज में ब्राह्मण देवता के समान होते हैं, रौनकी, तो हमें इनका सम्मान छोड़ देना चाहिए। क्या तोता मिल गया मेरा? अबे तोते के बच्चे पीछे से सामान लेकर भाग चल। क्या हुआ? सामान फुर्क हो रहा है। चल चल सेठ जी मुझ पर दया करो। सेठ जी ये गरीब आदमी है, बेचारा ब्राह्मण, इसे आप जाने दीजिए। पंडित जी उठाइए अपना सामान और यहाँ से 9-2-11 हो जाइए। अरे मोहरे साहब ये क्या कर रहे हैं आप? सुनो जी रुपोजी, मेरे पास 233 रुपए। आपके नाटक का बड़ा बड़ा धन्यवाद। अरे ये नाटक? हाँ अपने किराएदारों की कुछ तो मदद करनी पड़ती है। घोष बाबू किराया तो ठीक टाइम पे देते थे मगर ये लोग। अरे अरे हाँ इनसे मिलिए, ये है हमारे मित्र मुहर्रम साहब। मित्र हमारे नाम है सुब्रह्मण्य। नमस्ते जी। और इनको जानते हो? ये है वही नुक्कड़ के पास